आज मैं आपको फैशन की सारी जानकारी दूंगी। फैशन आपकी किस्मत से कैसे जुड़ता है ये बताऊंगी। रिलेशनशिप ठीक करने वाले फैशन से लेकर भाग्य चमकाने वाले फैशन तक की बात होगी। आज मैं आपको आपकी राशि और स्किन टोन के हिसाब से चेहरे को चमकाने वाला फेस पैक बताऊंगी। आपका फेस देखकर लोग दीवाने हो जाएंगे। आज आपकी खास साड़ी की बात करूंगी। आज उस साड़ी की बात करूंगी जिसे सिर्फ गिफ्ट भर करने से पति पत्नी सास बहू के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और माँ शीतला अष्टमी आ गई है, आपको एडवांस में हर दुख दर्द दूर करने वाली माँ शीतला अष्टमी की जानकारी दूंगी। चलिए, वक्त हो गया है आपसे अपना पहला महा उपाय शेयर करने का। क्या आपका कोई बड़ा काम बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है? तो लाल गुलाब का फूल एक गिलास पानी में रखकर अपनी टेबल पर रखें। एक फूल अपनी जेब में सफ़ेद रुमाल में बांध कर रखें। जिससे भी आपका काम आपको करवाना है उससे मिलने जाने से पहले गुलाब के फूल पर ओम आदित्याय नमः कहकर फूंक मार दें। वो गुलाब उसी शख्स को गिफ्ट कर दें या उसके ऑफिस में घुसने से पहले किसी पौधे वौधे में डाल दें या घर पर डाल दें। अगर आपका काम सच्चा है और झूठ नहीं है और आपका कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, काम ज़रूर बनेगा। कोई आपको कहता होगा चेहरे पर चंदन लगाओ, कोई कहता होगा चेहरे पर खीरा लगा लो, कोई कहता होगा पपीता लगा लो और कोई कहता होगा अमरूद लगा लो, और आप कंफ्यूजन में हैं। ये तो होना ही था, लेकिन आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म कर देती हूँ। पहले तो मैं आपको राशि के हिसाब से चेहरे पर क्या लगाना चाहिए बता रही हूँ, फिर और भी ज़रूरी बात करेंगे जो आपके काम की है। मेष राशि के लोग एरियंस, सफ़ेद चंदन का लेप अपने चेहरे पर लगाएं और नहाने के पानी में भी डाल लीजिए। टॉरियंस वृश्चिक राशि के लोग चेहरे पर दूध और बेसन का पेस्ट बनाकर लगाइए। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग खीरे के स्लाइस काट कर पीस कर चेहरे पर लगाइए, कुछ देर रखिए और फिर धो दीजिए। कैंसरियंस यानी कि कर्क राशि के लोग नहाने के जल में गुलाब जल को ऐड करें या चेहरे पर गुलाब जल लगाएं। लियोस आप लोग सिंह राशि के लोग क्या करें, पपीते को मैश कर चेहरे पर लगाइए। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस अमरूद का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाइए। लिब्रंस तुला राशि के लोग चेहरे पर कोकोनट मिल्क नारियल का दूध लगाएं। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग आलू के स्लाइस चेहरे पर लगाइए। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियंस नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर या जहाँ जहाँ दाग और पिंपल्स हैं उस पर लगाइए। कैप्रिकॉर्न्स आप लोग चेहरे पर दही लगाइए। एक्वेरियंस रोज वाटर और कॉर्नफ्लावर जिसको हम बोलते हैं भुट्टे का पाउडर, कॉर्नफ्लावर इजीली मार्केट में मिलता है, आपके घर में भी होगा, चाइनीज़ खाना में यूज़ करते हैं कॉर्नफ्लावर, और इसको मिलाकर गुलाब जल को मिलाकर चेहरे पर लगाइए। पाइसिस आप लोग चेहरे पर शहद लगाइए। अब हम आपको आज का दूसरा महा उपाय बताते हैं, इसे जानने का वक्त हो गया है। क्या सौभाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो गुड़ और चना किसी ज़रूरतमंद को शुक्रवार को दें, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अपने ऊपर से एक रोटी को 31 टाइम्स उतार कर चौराहे पर सुबह रख दीजिए। चलिए मंत्र बता रही हूँ, मंत्र नोट कीजिए। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्भाय नमः। आपका काम ज़रूर बन जाएगा। राशि के हिसाब से कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट करें ये आपने जान लिया, लेकिन बेबी स्किन टाइप के हिसाब से भी दर्शकों को क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए इसकी जानकारी भी तो दीजिए। खूबसूरत स्किन किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर खूबसूरत स्किन पानी है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। केयर करने के लिए ये जानना तो और भी ज़रूरी है कि आपकी स्किन है कैसी, क्योंकि हर स्किन पे हर चीज़ सूट नहीं करती। आपकी स्किन के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, फेशियल यूज़ करें, तो आपकी स्किन अच्छी बनी रह सकती है, मेंटेन रह सकती है।
कैसे जाने आपकी स्किन कैसी है? इसके लिए बहुत आसान है। एक तो टिश्यू पेपर टेस्ट हम लोग बोलते हैं, ये आप सुबह उठते हैं और आपका जब पहला काम करें उठते ही कि एक टिश्यू पेपर लें, पूरे स्किन के ऊपर यानी पूरे फेस के ऊपर लगा के देखें। अगर ऑयल है सारे फेस के ऊपर यानी टिश्यू के ऊपर जगह जगह ऑयल के निशान हैं तो आपकी स्किन बहुत ऑयली है। अगर कोई निशान नहीं है तो आपकी स्किन नॉर्मल है। और अगर आपको लग रहा है कि खिंची हुई है तो आपकी स्किन ड्राई है। लेकिन कहीं कहीं ऑयल है, कहीं कहीं नहीं है, तो कॉम्बिनेशन हो सकती है। लेकिन ये टिश्यू पेपर टेस्ट जो है ना, जो हम ज़्यादातर बात करते हैं, वो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में तो आपकी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस कम कर देती है, तो देख ही नहीं सकते। अब देखें केयर कैसे करें। ऑयली स्किन में ऑयल बहुत प्रोड्यूस होता है, तो खाने में ध्यान रखें कि ऑयल कम खाएं। और लगाने के लिए, ऑयल को कम करने के लिए नींबू बहुत अच्छा काम करता है। तो आप नींबू की कुछ बूंदें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैक के अंदर। आप कैलामाइन पाउडर ले लें और क्योलिन पाउडर ले लें, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन दोनों को मिक्स करें, थोड़े से नींबू की बूंदें डालें और दही डाल लें और उसका एक बनाएं पैक, फेस पे लगाएं, आधे घंटे बाद वॉश कर दें। देखिएगा आपके ऑयल को वो रिड्यूस करेगा और आपके स्किन को जो है वो खूबसूरत बनाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है और मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। ड्राई स्किन के लिए आप ले सकते हैं केला, आप ले सकते हैं दूध। इन दोनों को मिक्सी में मैश कर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा हनी डालिए और साथ में डालिए चंदन पाउडर। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं। एक पैक बनाइए, पूरे फेस पे लगाइए और देखिए आपकी स्किन कैसे खिल उठती है। जैसे ही धोएंगे बहुत ही खूबसूरत निकलेंगे। नॉर्मल स्किन को वैसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन केयर नहीं की तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी स्किन को गोरा भी करती है, अच्छा भी बनाती है। तो एलोवेरा हर घर में लगा हुआ है, एक पीस तोड़िए, उसको टेढ़ा करके रखिएगा, जो पीला पीला उसमें से निकलता है ना, उसको निकल जाने दीजिए। फिर उसको उबाल लीजिए, छिलका उतारिए, अंदर से निकलेगा जेल, उस जेल को मैश कर लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी सी हल्दी मिला के आप एक पैक बना लीजिए। उस पैक को इस्तेमाल कीजिए और 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद जब आप धोएंगे लगेंगे बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ने से पहले तीसरा महा उपाय जानने का वक्त हो गया है। क्या कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को नहाकर शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर लाल मसूर की थोड़ी सी दाल चढ़ाइए, बाकी किसी गरीब को दीजिए। 108 बार बोलकर दाल चढ़ाइए, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। ये प्रयोग 8 मंगलवार कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा लगाएं, कर्जा दूर होगा। ज्वेलरी और कपड़े महिलाओं की पहली पसंद होते हैं, तो क्या आप भी अपनी पत्नी को साड़ी गिफ्ट करते हैं, या सास अपनी बहू को साड़ी गिफ्ट करती है, या बहू सास को? बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको राशि के मुताबिक ही साड़ी का कलर चुनना है, तभी तो बात बनेगी, इससे रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। अगर आपकी पत्नी की राशि मेष, सिंह या धनु है तो उन्हें रेड ऑरेंज कलर की साड़ी गिफ्ट करें। और अगर आपकी साड़ी पे अगर गोल्डन काम हुआ हो तो क्या कहने। अब इसी तरीके से अगर आपकी बहू पत्नी की राशि वृश्चिक कन्या या मकर है तो उन्हें ब्राउन कत्थई कलर, इस कलर की साड़ी दीजिए। और एम्ब्रॉयडरी का जो कलर हो, अगर वो हल्का ब्लैकिश या कॉपरिश हो तो मज़ा आ जाएगा। अगर आपकी बीवी या आपकी बहू या आपकी मदर इन लॉ की राशि मिथुन, तुला या कुंभ राशि है तो ऐसी फीमेल्स को नीले या आसमानी रंग की साड़ी देना चाहिए, और अगर इस पर सिल्वर काम हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। कर्क राशि के लोगों के लिए या वृश्चिक राशि की फीमेल्स के लिए या मीन राशि की फीमेल्स के लिए पीला, लाल और सफ़ेद बाउंड्री वाली, बॉर्डर वाली साड़ी आप परफेक्ट रहेंगी। और इस पर अगर सलमा सितारे या स्टोन्स लगे हों वाइट कलर के तो मज़ा आ जाएगा और आपकी और उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब आज का चौथा महा उपाय क्या है जान लीजिए। क्या आर्थिक तरक्की रुकी हुई है? शुक्ल पक्ष की मंगलवार को आटे में गुड़ मिलाकर मीठे पुए हनुमान जी के मंदिर में ज़रूरतमंदों को खिला दीजिए। मंत्र का 108 बार जाप करके गरीबों को कपड़े और भोजन कराइए। मंत्र नोट कीजिए, ओम हुम हनुमते ऋण मोचने नमः। आर्थिक तरक्की शुरू हो जाएगी।
चलिए वक्त हो गया है अपने आज के पहले कॉलर से, पहले व्यूअर से बात करने का। अंबाला से प्रिया हुंदल ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि शादी नहीं हो रही है, जानना चाहती हैं परेशानी आ रही है, क्या करें, 30 इयर्स की हो गई है। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोहे की छोटी छोटी 3 गोलियां ले लीजिए, उस पर रेड पेंट कराइए और उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए। और अब जब लड़के वाला आपको देखने के लिए आए या आपकी कहीं पे मीटिंग हो, तो जब आप कमरे में स्टेप इन करेंगी तो लेफ्ट पैर से 2 कदम चलकर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेफ्ट पैर से 2 कदम चलिएगा और फिर उसके बाद लेफ्ट राइट जो भी पैर हो कोई बात नहीं, ये कीजिए, अगला रिश्ता आपका पक्का ज़रूर होगा। आप भी फेसबुक पर अपने इश्यूज मुझे भेज सकते हैं। सास बहू फैमिली गुरु के पेज पर अपनी सारी चीज़ें भेजें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें, पर शो देखते रहिए क्योंकि सोल्यूशन तो यहीं पे मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या आपका बनता काम बिगड़ जाता है? एक मंत्र नोट कीजिए, धीरे धीरे बोल रही हूँ, आराम से लिख लीजिए। मंगलो भूमि पुत्राश्चय, ऋण हर्ता धनप्रद, स्थिरासनो महाकाय सर्व काम विरोधक। इस मंत्र का आपको एक माला रुद्राक्ष के साथ में जाप करना है, घी का दीपक जलाकर करना है और लौंग उसमें डाल देनी है, 2 लौंग डालनी है। जले हुए लौंग किसी पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए, काम बन जाएगा। शीतला अष्टमी आ गई है और मैंने तय किया है कि आपको आज ही एडवांस में पूरी जानकारी दे देती हूँ ताकि माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर और ज़रूर मिले। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है। रोगों से मुक्ति दिलाता है शीतला अष्टमी का व्रत। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से भी जाना गया था। मान्यता ये है कि शीतलाष्टक स्तोत्र जो है इसकी रचना भगवान शिव के लोक में कल्याण के लिए की गई थी। शीतला माता एक प्रमुख हिंदू देवी के रूप में पूजी जाती हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में शीतला देवी का नाम आता है। मान्यता है शीतला माता कई भयंकर रोगों से, जो बिल्कुल डेंजरस बीमारियां होती हैं, उनसे बचाती हैं। इनके एक हाथ में कलश, दूसरे हाथ में सूप, एक हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए होती हैं और अभय मुद्रा में विराजमान होती हैं। शीतला अष्टमी बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखती है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले देवी को भोग लगाने के लिए आपको बासी खाना रखना, जिसको हम बसौड़ बोलते हैं, उपयोग में लाया जाता है। अष्टमी के दिन बासी चीज़ों को शीतल माता के आगे अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है और माता की कथा भी कही जाती है। कथा समाप्त होने के बाद माँ की पूजा अर्चना होती है और शीतलाष्टक को पढ़ा जाता है। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा को दर्शाता है। साथ ही साथ शीतला माता की वंदना के बाद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पूजा को विधि विधान के साथ पूरा करने के बाद सभी भक्तों के बीच माँ का प्रसाद बसौड़ा को बांटा जाता है। बसौड़ा एक दिन पहले बनाकर रखना होता है। उत्तर भारत में शीतला अष्टमी त्यौहार बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में जितने भी दोष और बीमारियां होती हैं उन सब का नाश होता है और उनको बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है, इसीलिए ये दिन शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के समय में शीतला माता की पूजा लोगों को बहुत साफ सफाई का संदेश भी देती है। देवी शीतला की पूजा से नेचर को सुरक्षित रखने की सीख मिलती है। इस समय सीजन बदल रहा होता है, इसीलिए मौसम में कई तरीके के बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। इन बदलावों से बचने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है और इसीलिए शीतला माता की पूजा से हमको एक अच्छा काम करने की सीख भी मिलती है।
वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनकर समझाने का। शिमला से अंशिका नागी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि पति का प्लास्टिक का डिस्पोजेबल जो आइटम्स होती हैं प्लास्टिक की, उसका बिजनेस है। काम नहीं चल रहा है, 2 महीने हो गए हैं। पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था। अपने बिजनेस की जगह पे नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक छोटा सा, हम ये बोल सकते हैं जैसे जेड पत्थर आता है जो एमरल्ड का ही सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसे 3 जेड पत्थर लेकर दीवार पर चिपका दीजिए कि पत्थर की बैक जो है वो दीवार को नॉर्थ को टच करे, ऐसे एल्फी से या एमसील से चिपका दीजिए। ये कीजिए, देखिए काम वापस से ठीक हो जाएगा, पर मेहनत पूरी करनी है। हाँ, और फेसबुक पे अपने इश्यूज आप लोग भी मुझे भेजते रहें और शो देखते रहें। शीतला अष्टमी के मौके पर आपको गुड़गांव के शीतला माता मंदिर के दर्शन कराती हूँ। मेरे जो दर्शक माँ के द्वार तक नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे ही माँ की कृपा जरूर प्राप्त करें। विशेष रूप से माता का पूजा का विशेष रूप होता है रविवार, सोमवार और मंगलवार सबसे ज़्यादा पूजा होती है। चांदन के दिनों में जब चांदन दिन आते हैं उन दिनों ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं, उन दिनों बहुत भारी भीड़ होती है। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में आप मेरा साथ निभाइए। अपने नाम के पहले अक्षर या अपनी राशि के हिसाब से कल के दिन ये उपाय कीजिए और कल के दिन को बनाइए सुपर लकी। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग विष्णु जी की पूजा करें, आपको ये पूजा कल के दिन बहुत फल देगी और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 56%। वृश्चिक राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए और किचन में खाइए, लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग बच्चों को मिठाई खिलाइए, गरीब बच्चों को खिलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग, पान का पत्ता मंदिर में रखिए और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 69%। सिंह राशि के लोग, लियोस, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कन्या राशि के लोग, आप लोग चिड़िया को बाजरा खिलाइए और आपका लक साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग, सुबह बिना दूध की चाय पीजिएगा और आपका लक आपका साथ दे रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग बिजली के सामान को कल के दिन ना छेड़ें और ना ही नया सामान खरीदें, लक आपका साथ दे रहा है कल 64%। धनु राशि के लोग, सजिटेरियंस, टेबल पे सफ़ेद फूल सजाएं और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 79%। मकर राशि के लोग, आप लोग कल दही खाकर घर से निकलिए, किस्मत साथ दे रही है 81%। कुंभ राशि के लोग, आप लोग हनुमान जी की कल पूजा अर्चना कीजिए, मुसीबतें चलेंगी, लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। मीन राशि के लोग, आप लोग कल अपने ईष्ट को याद कीजिए, फिर ही काम पर निकलिए और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 78%। बेबी गई, अब मैं भी चलती हूँ, लेकिन कल मैं आपके लिए रुद्राक्ष की जानकारी लाने वाली हूँ। कौन सा मुखी रुद्राक्ष आपका संकट दूर करेगा ये कल जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।